हेलो दोस्तों, अनुज आर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये सुंदर से दिखने वाले ट्राइबल क्ले पॉट को मैंने कैसे बनाया है। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा आर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक क्ले पॉट लेंगे, आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया और इस पे एक वाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट किया है। अब इसके बाद मैं इस पे ब्लैक कलर का एक कोट करूँगी। आप चाहे तो आप कोई भी कलर का कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मटके में दोनों तरफ ड्रिलिंग मशीन से छेद किया है। आप चाहें तो कील से या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से छेद कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक हार्ड एल्युमिनियम वायर से एक लूप बनाया है जिससे हम उसका इयररिंग बना सकें। अब हम लेंगे फेविक्रिल का शिल्पकार क्ले और एक रोलिंग पिन और पाउडर जिससे कि वो सरफेस पे चिपके ना, और फिर नाइफ जिससे हम डिटेलिंग कर सकें। अब हम फेविक्रिल के अंदर दो पैकेट्स आते हैं, उसको मिलाएंगे अच्छे से और उसको आटे के तरीके से उसको मिला के गूँथ लेंगे, और इससे हम बनाएंगे हमारे ट्राइबल क्ले पॉट का आँख, नाक और लिप्स। अब हमें इयररिंग्स बनाने के लिए लेने होंगे कुछ बीट्स, कुछ कौड़ी, और इसे हम माला के जैसे गूँथ लेंगे। Cause we be on a tough love.
जो भी कलर हमारा बाहर लग गया है थोड़ा सा, उसको हम ब्लैक से वापस रिटच कर देंगे। इसके बाद मैंने वार्निश का एक कोटिंग भी किया है, जिससे ये कलर प्रोटेक्टेड भी रहेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और एक शाइनी सा सुंदर लुक भी आता है। तो ये रहा हमारे ट्राइबल क्ले पॉट का नाइट लुक जो मैंने अपने घर से लिया है। और ये शाइनी लुक आप देख रहे हैं, ये वार्निश की वजह से आया है और ये इससे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इस क्ले पॉट का ये रहा डे लुक। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।